ईरानी राष्ट्रपति को बेनेट का चैलेंज। इसराइल ने लिया ईरान से रिवेंज। मोसाद ने लगाया रिएक्टर पर लॉक। रईसी को दिया 440 वोल्ट का शॉक। बेंजामिन नेतन्याहू के इसराइल के पीएम कुर्सी से हटते ही नेफ्ताली बेनेट ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अपने मुस्लिम दुश्मन नंबर वन ईरान को बेनेट ने ऐसा झटका दिया है कि वो तिल मिला रहा है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बेनेट ने जोरदार धमाके से वेलकम किया है और ईरान का इकलौता एटॉमिक रिएक्टर रहस्यमय तरीके से बंद हो गया है। किसी को नहीं पता कि यह एटॉमिक रिएक्टर क्यों बंद हुआ है, बस इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश जरूर है। लेकिन अपनी पावर की ढींगे मारने वाला ईरान थू-थू और जग हसाई होने के डर से सिक्योरिटी में हुई इस सेंध को कबूल करने की हालत में है ही नहीं, वरना उसकी नाक और कट जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया में खबर वायरल है कि ईरान का इकलौता एटॉमिक रिएक्टर बंद नहीं हुआ है, इसे बंद करा दिया गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस पर ताला लगा दिया है। चूहे की मौत मरेगा ईरान, नहीं बना पाएगा मौत का सामान। एटम बम बनाने के अरमान फेल। मोसाद ने रिएक्टर में कर दिया खेल। दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में लगी एटॉमिक रिएक्टर की यूनिट 2011 में रूस की मदद से शुरू की गई थी। उस वक्त ही इजराइल ने इसका विरोध किया था, लेकिन ईरान ने दुनिया के विरोध के बाद भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश साउथ कोरिया, चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया में तबाही के सामानों का बाजार गर्म किए हुए हैं और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के नए पीएम ने मुस्लिम देशों की साजिश को फेल कर दिया है। ईरान को अपना एटॉमिक रिएक्टर इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा है। अब इसे करीब हफ्ते भर के लिए शुरू होने की उम्मीद भी नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रिएक्टर को मोसाद ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले भी ईरान के एक और परमाणु रिएक्टर पर इसराइल ने अटैक किया था, जिसके बाद रिएक्टर का फाउंडेशन में जोरदार ब्लास्ट हुआ था और उसकी पावर सप्लाई केबल्स पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। वो रिएक्टर भी कम से कम 3 महीने के लिए अपाहिज हो चुका है और फिलहाल आईसीयू में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ईरान उस झटके से उभरा भी नहीं कि इसराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम की कमर ही तोड़ दी। इसे बेनेट का रईसी को खुला चैलेंज माना जा रहा है। परमाणु प्लांट के बंद होने से इलाका अंधेरे में डूब गया है। इससे अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि ईरान के पास अपने बचाव के लिए कोई बैकअप प्लान तक नहीं है, वो सिर्फ डींगे मारता है। लेकिन इसराइल ने उसे हकीकत का आईना दिखा दिया है। दुनिया भर के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान जिस तरह से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, इसराइल उस पर शुरू से एतराज जताया है। इसराइल का आरोप है कि ईरान अपने हथियारों और मनी पावर का इस्तेमाल गैर मुस्लिम मुल्कों में आतंकवाद को सींचने के लिए करता है। इसराइल का ये एतराज दुनिया समझती है और मानती भी है, लेकिन स्वार्थी मुस्लिम देश तेल की कमाई के बूते मनमानी करते हैं, इसलिए ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका अलग हो गया था। जिस देश यानी रूस ने ईरान में परमाणु रिएक्टर लगाया है, वो भी ईरान पर यकीन नहीं करता है। उसे भी लगता है कि जरा सी ढील मिलते ही ईरान परमाणु बम बनाने की साजिश को कामयाब कर सकता है। लेकिन इसराइल को अमेरिका का बैकअप है, लिहाजा अपने दुश्मन यानी अमेरिका के दोस्त यानी इसराइल के दुश्मन यानी ईरान को रूस फ्री हैंड होकर मदद करता है। अमेरिका और रूस की अदावत दुनिया के लिए नई नहीं है। रूस भी जानता है कि ईरान के मन में कालापन है। उसने ईरान का रिएक्टर तो बना दिया, लेकिन रिएक्टर के इस्तेमाल किए हुए ऊर्जा रॉड रूस वापस मांग लेता है, ताकि ईरान इन रॉड से बिजली बनाने के बजाय कहीं परमाणु बम ना बना ले। ईरान को रूस यूरेनियम तो देता है, लेकिन उसकी शुद्धता बम बनाने लायक नहीं रखता। ईरान पर दुनिया यकीन नहीं करती, इसलिए उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। यही कारण है कि ईरान खुले तौर पर रिएक्टर के पार्ट्स और जरूरी सामान खुल्लम खुल्ला नहीं खरीद पाता, वो ऐसा चोरी से करता है। संयुक्त राष्ट्र खुद ईरान को होने वाले यूरेनियम सप्लाई पर नजर रखता है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया को चेतावनी दी है। ईरान में कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का काफी नजदीकी माना जाता है। रईसी की सत्ता में आने से ईरान में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ गया है, जो इसराइल के लिए चिंता का कारण बना हुआ है।
रईसी ईरान का पहला ऐसा राष्ट्रपति है जिस पर अमेरिका 1988 में बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के काम में शामिल होने का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा चुका है। यहूदियों के लिए रईसी के मन में भी जहर भरा हुआ है और वो भी इसराइल को अवैध मानता है और मानता है कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम देश मिलकर इसराइल को ठिकाने लगाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। लिहाजा ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है ताकि वो एटम बम बना सके। यही बात इसराइल समेत पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है। पिछले साल ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या के बाद इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि इन मुल्कों से बैर लेकर वो परमाणु बम नहीं बना सकता, लिहाजा वो 2015 की परमाणु संधि को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इसके लिए रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत भी हुई थी। ईरान में इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रविवार को इस तरह की ये पहली आधिकारिक बैठक थी जिसके बाद इसराइल ने ईरान को धमकी दे दी है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी। ये विश्व शक्तियों के लिए जाग जाने का अंतिम मौका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमनई पर आश्रित रईसी देश में क्रूर जल्लाद का शासन स्थापित करेंगे। नफ्ताली बेनेट ने कैबिनेट मीटिंग में ये तक कह डाला कि क्रूर जल्लाद के शासन को व्यापक विनाश के हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। इसराइल ने यह भी ऐलान कर दिया कि इस बारे में ईरान और उसके एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर इसराइल की स्थिति एकदम साफ है, यानी इसराइल हर हाल में ईरान के प्रोजेक्ट महाविनाश को निस्तनाबूद करके ही रहेगा। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने कुछ दिन पहले ही ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले में मोसाद का हाथ होने के संकेत दिए थे। उन्होंने चैनल 12 के एक प्रोग्राम में ईरान के एटॉमिक रिएक्टर पर अटैक और वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह की हत्या में मोसाद की भूमिका को इनडायरेक्टली स्वीकार किया था। इस प्रोग्राम में कोहने ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरानी परमाणु वैज्ञानिक के काम बंद नहीं करते और अपनी नौकरी नहीं छोड़ते तो अगली बार ये हमला एटॉमिक रिएक्टर के साथ ही उन पर भी हो सकते हैं। ईरान में इस बार बंद हुए एटॉमिक रिएक्टर को इसी अल्टीमेटम के रिजल्ट के तौर पर देखा जा रहा है।